हेलो गाइज, आप सभी का दोबारा से एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों और मेरे भाई गुरु बहनों, आप सभी को बताने वाले हैं कि सरकारी स्कूलों के अंदर ये जॉब्स आ रखे हैं। आप सभी को पता है कि सबसे पहले सबसे फास्ट आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाती है हर टाइम, तो आपकी बार भी सरकारी स्कूलों के अंदर ये जॉब आ रखी है। 4062 पोस्टों के ऊपर ये सीधी जॉब आई है। अगर आप किसी भी जिले से बिलोंग करते हैं, अगर आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम का फॉर्म भरते हैं तो ये वाला फॉर्म भी आप भर सकते हैं। अगर हरियाणा से अगर मेरी बहन कोई भी इस वीडियो को सुन पा रही है, देख पा रही है, तो के लिए बहुत ही अच्छी जॉब रहने वाली है, क्योंकि आपको पता है कि स्कूल के अंदर अलग-अलग जो आपकी अलग-अलग क्वालिफिकेशन रहेगी, अलग-अलग पोस्टें डाल रखी है, सभी अप्लाई कर सकते हैं। 4062 पोस्टों के ऊपर मेरी बहनों के लिए बहुत ही अच्छी जॉब आ रखी है। जो भी मेरी बहन ग्रेजुएट पास है, पोस्ट ग्रेजुएट है, प्लस टू है, टेंथ पास है, तो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सभी अपना अपना फॉर्म भर सकती है। हरियाणा कौशल रोजगार निगम का कोई भी लेटर आता है, कोई भी जानकारी आती है, सबसे पहले इंफॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। साथ में अगर आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि भाई गुरु बहनों सुबह शाम दोपहर किसी भी टाइप कोई भी अपडेट आता है, सबसे पहले सबसे फास्ट आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा। साथ में यूट्यूब पर तो आपको सबसे पहले इन्फॉर्मेशन हर एक मिलती रहती है। तो मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि सरकारी स्कूल के अंदर जो जॉब आ रखी है 4062 पोस्टों के ऊपर, ये किस प्रकार से अप्लाई होंगी, क्या प्रोसेस रहेगा, एक बार मैं आपको बताता हूँ, दिखाता हूँ, वीडियो पर कंटिन्यू बने रहे। ओके, मेरे सभी भाई और बहनों को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है, ये अपडेट्स आप सभी के सामने रहने वाले हैं, जिसकी स्टार्टिंग डेट क्या रहने वाली है इस फोरम के, 28 जून से फोरम स्टार्ट हो गया, जिसकी लास्ट डेट रहने वाली है 18 अगस्त तक। इस फोरम को आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अंदर आपका नॉर्मल सा एग्जाम होने वाला है। अगर कोई भी एग्जाम देने का इच्छुक है तो अपना फोरम भरिए भाई और बहनों, क्योंकि फोरम फीस भी आपकी बहुत ही ज्यादा लगने वाली है। प्रिंसिपल की पोस्टों के लिए आपको ₹2000 पोस्ट का जो है पोस्ट के लिए ₹2000 पे करना पड़ेगा पर कैंडिडेट को। पीजीटी की पोस्ट के लिए ₹1500 पे करना पड़ेगा। नो टीजी की जो पोस्ट होगी ₹1000 लगेगा। एससी एसटी पीडब्ल्यूडी जो भी कैटेगरी का स्टूडेंट होगा सबकी ₹0 फीस लगने वाली है। ऑनलाइन आपको फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन ही सारा प्रोसेस होने वाला है। तो आपके लिए जॉब्स बहुत ही अच्छी रहने वाली है। आपकी एज 18 से 55 साल तक के जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी अप्लाई कर सकते हैं। 18 से 55 साल से ऊपर अगर किसी भाई और बहन को एज में रिलेशन चाहिए तो वो भी गवर्नमेंट के रूल्स के हिसाब से आपको छूट मिल जाएगी। बिल्कुल आराम से अपना फॉर्म भरिए। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट आपकी रखी है 4062 पोस्ट आ रखी है। हरियाणा से कोई भी भाई और बहन इस फॉर्म को भर सकता है। आगे जानकारी जो भी आएगी तो आपको सबसे पहले इंफॉर्मेशन दे देंगे। अगर आपने कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म अप्लाई कर रखा है जिसका फॉर्म आपने भर दिया, उसकी जानकारी आपको नहीं मिल पा रही है, तो भाई और बहनों मुझे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आपको किस प्रकार की प्रॉब्लम आ रही है, कौन सा इशू सामने आ रहा है, और आपकी जो भी समस्या होंगे मुझे कॉमेंट करके आप बताया करो, और आपको कौन सी भर्ती की अपडेट चाहिए उस भर्ती का नाम लिखा करो, तभी आपको जो भी भर्ती का अपडेट आएगा सीधी जानकारी मिल जाएगी। आप बार बार कमेंट करते रहते हैं सर पीएन के ऑफर लेटर कब आएंगे, पीएन के ऑफर लेटर की जो जानकारी आई थी मैंने 2-4-5 वीडियो पहले उठाकर आप देख सकते हैं, पीएन की जो सूचना मिली थी मैंने आपको सभी को बता दी थी, और कमेंट का रिप्लाई आप सभी का बारी बारी से मिलता रहता है। एक साथ इतने ज्यादा कॉमेंट वगैरह आ जाते हैं तो उसका रिप्लाई होने में थोड़ी देरी हो जाती है, वरना सभी को एक वीडियो बनाकर आपको बता दी जाती है, ऐसी कोई बात नहीं होती है। आपको जो भी वीडियो बनाकर आपको तक सूचना पहुंचाई जाती है तो आपको जो भी जानकारी होती है सबसे पहले इन्फॉर्मेशन मिल जाती है उस चीज के। तो हमेशा जो भी समस्या होती है, जो भी प्रॉब्लम होती है, आपने किसी भर्ती का फॉर्म भर दिया उसकी जानकारी नहीं मिल पा रही आप सभी को, मुझे कमेंट करके आप बता सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, और मुझे आप टेलीग्राम पर मैसेज करके भी मैसेज कर सकते हैं। कमेंट नहीं करते हैं तो टेलीग्राम पर भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। आने वाले हर नोटिफिकेशन हर अपडेट आपको सबसे पहले इंपॉर्टेंट मिलते रहेंगे। 4062 पोस्टों के ऊपर ये जॉब है आप सभी को बताया, जिसके अंदर क्वालिफिकेशन क्या आ रखी है, प्रिंसिपल की पोस्ट आ रखी है 303, जिसके अंदर आपका पोस्ट ग्रेजुएट पास होना चाहिए, बीएड आपके पास में होनी चाहिए, 12 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, मिनिमम आपकी एज 50 साल होनी चाहिए इस पोस्ट के लिए। तो ये तो आपको पता है कि एज ज्यादा हो जाती है, जो कि आपकी पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होता है पीजीटी टीचर के लिए 2266 पोस्ट आ रखी है। पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस में बीएड आपकी मांग रखी है। अगर आपने बीएड कर रखी है, पोस्ट ग्रेजुएट है, आप सभी मेरी बहन कोई भी पोस्ट ग्रेजुएट है प्लस में बीएड कर रखी है और 40 साल तक उसकी एज है तो सभी अप्लाई कर सकती है, बिल्कुल डरने की बात नहीं है, और जो चीजें आती है आपको बताई जाती है। अकाउंटेंट के लिए आपको 361 पोस्ट आ रखी है। कॉमर्स साइड से आपका ग्रेजुएट पास होना चाहिए और 30 साल तक के सभी स्टूडेंट अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर सेक्रेटरी असिस्टेंट क्लर्क की पोस्ट के लिए 759 पोस्टों पर जॉब आ रखी है। प्लस टू पास होना चाहिए, टाइपिंग आपको आना चाहिए, 30 साल तक एज वाले सभी अप्लाई कर सकते हैं। सीधी सीधी सारी चीजें आपको बताई जा रही है। लैब अटेंडेंट की जो पोस्ट है 10वीं पास मांग रखा है, 373 पोस्ट है, 30 साल तक के जो भी अप्लाई करना चाह रहे हैं सभी कर सकते हैं, ना कोई
एक्सपीरियंस मांग रखा, ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएट, प्लस में बीएड, प्लस में आपका टाइपिंग, ये सारी चीजें आपको आती है, तो अपनी अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से सभी अप्लाई कर सकते हैं। मेरी बहनें ज्यादातर बीएड कर रखी है वगैरह, पोस्ट ग्रेजुएट कर रखी है, डिग्री कर रखी है, तो अकाउंटेंट वगैरह लग सकती है, पीजीटी टीचर लग सकती है, बहुत ही ज्यादा पोस्ट आ रखी है। तो सबसे पहले आपके लिए जो भी अपडेट्स आते रहते हैं कंटिन्यू आपको बताए जाते हैं। ऑनलाइन फॉर्म भरना पड़ेगा, ऑनलाइन का जो डिस्क्रिप्शन है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके वहां से लिंक पे आराम से अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आपको जानकारी मिल जाती है तो आप खुद भी अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल बेझिझक होके। कुछ इश्यूज, कुछ भी समस्याएं होती है तो मुझे कमेंट करके आप पूछ भी सकते हैं, जिसके अंदर आपकी जॉब लोकेशन ऑल इंडिया रहेगी और आगे आगे कोई भी अपडेट आएगा एप्लीकेशन का तो सीधी जानकारी आपको मिल जाएगी। सैलरी की बात कर लेते हैं, सैलरी आपको क्या मिलती है, पोस्ट वाइज के हिसाब से इसमें सैलरी मिलेगी, अलग अलग पोस्टों की अलग अलग सैलरी रहती है, इसका खुद आप नोटिफिकेशन चेक कीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक डाल रखा है। सिलेक्शन प्रोसेस के लिए आपको रिटर्न एग्जाम देना पड़ेगा, नॉर्मल से आपका रिटर्न एग्जाम होगा, इंट्री होगा और आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल एग्जाम होगा, इसके अलावा कुछ भी नहीं होने वाला है। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना फॉर्म आप अप्लाई कर सकते हैं सभी अप्लाई कीजिए, और आपको कुछ भी पूछना हो, कुछ भी इश्यूज होते हैं, कुछ भी समस्याएं होती है, मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। अगर मेरी बहन कोई भी आंगनवाड़ी विभाग का अपडेट पाना चाहती है, किसी भी जिले से बिलोंग करती है, मुझे बताइए कि आपको कौन से जिले का कहां का अपडेट चाहिए, और आपके गांव के अंदर कोई भी हेल्थ डिपार्टमेंट की भर्ती आती है, किसी प्रकार की कोई भी जानकारी आती है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपकी पूरी हेल्प की जाएगी, बेझिझक होकर आप मुझे बताइए। और आपने कोई ऐसी भर्ती का फॉर्म भर दिया जिसकी आपको जानकारी नहीं है, फॉर्म आपने भर दिया आगे आपको उसका कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पा रहा है, तो मुझे बताइए, तभी तो आपकी हेल्प की जाएगी। आप कमेंट करते रहते हैं भाई और बहनों, कुछ भी अपडेट्स आएगा सबसे पहले आपको इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। तो ये अपडेट आपको अगर आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर लेना, ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना हो सके वीडियो को लाइक किया करो, क्योंकि आप सभी वीडियो को देखते हैं, लाइक नहीं करते, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत ही मोटिवेट मिलता है, इसलिए ज्यादा से ज्यादा संख्या में जितना ज्यादा हो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।